तो बच्चों आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 99 सब्जेक्ट हिंदी क्लास 9 जो कि आपको 28 फरवरी को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम पत्र लेखन के बारे में अभ्यास करेंगे जो कि पेपर में 5 नंबर में फिक्स है आना, ठीक है ना, एक जरूर आता है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या, आपकी गली में पानी की पाइप में लीकेज है जिसकी सूचना देते हुए जल बोर्ड के अधिकारी को इसकी मरम्मत के लिए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो आंसर वन देखो, फॉर्मेट समझना, आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग भी लिख सकते हो। तो आंसर वन देखो, तो आंसर वन स्टार्ट करेंगे, सेवा में जल बोर्ड अधिकारी दिल्ली नगर निगम। देखो जल बोर्ड अधिकारी पर आप स्वास्थ्य अधिकारी भी लिख सकते हो क्योंकि ये जल दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर आप स्वास्थ्य अधिकारी अध्यक्ष भी लिख सकते हो, ठीक है ना, जल बोर्ड अधिकारी पर स्वास्थ्य अधिकारी भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे दिल्ली नगर निगम आज़ादपुर दिल्ली 33, तो यहाँ पर आज़ादपुर की जगह कोई भी एड्रेस आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना, जहाँ पत्र भेजना है, मतलब ऊपर वहाँ का एड्रेस होता है जहाँ पत्र भेजने है, ध्यान रखना 28 फरवरी 2022, ठीक है। आगे विषय गली में पानी की पाइप में लीकेज हेतु अधिकारी को पत्र, ठीक है ना। आगे देखो मान्यवर, तो मान्यवर के बाद में लिखेंगे हम, मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले जहांगीरपुरी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। मान्यवर, हमारी गली ब्लॉक C15 में पानी की पाइप में लीकेज हो रहा है जिसके कारण पूरी गली गीली हो गई है, ठीक है। आगे तथा पानी भरता जा रहा है जिसके कारण गली में के बच्चों एवं बड़े बुजुर्गों को आने जाने में काफ़ी समस्या हो रही है, अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने किसी भी कर्मचारी को जल्द भेजकर इसकी मरम्मत करवाने की कृपा करें ताकि बढ़ती समस्या कम हो जाए। फिर सा धन्यवाद हो दिए रामराज, यहाँ पर अपना नाम और उसके बाद में यहाँ पर वो एड्रेस जहाँ की समस्या है, मतलब ऊपर वो एड्रेस जहाँ में पत्र भेजना है, नीचे वो एड्रेस जहाँ की समस्या है, यह ध्यान में रखना, यही मेन फॉर्मेट है, ठीक है। आंसर वन कम्प्लीट हुआ। आप क्वेश्चन नंबर टू देखो, इसको फिर से एक बार देख लो स्टार्टिंग से, ये देखो यहाँ से, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लिखो, फॉर्मेट को समझो ताकि पेपर में दिक्कत ना हो लिखने में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू है कोविड महामारी के बचाव के लिए 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी टीका उपलब्ध है जिसकी सूचना देते हुए अपने चचेरे भाई को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करते हुए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखो। तो आंसर टू देखो, ये लास्ट है, आंसर टू में लिखेंगे M12 विकासपुरी नई दिल्ली 35 28 फरवरी 2022, जो डेट है वो लिख देंगे। फिर प्रिय अनुज, राहुल, यहाँ पर कोई सा भी नाम लिख सकते हो, अगर मान लो छोटा है तो अनुज लिखेंगे, बड़ा होता तो अग्रज लिखते, और छोटा है तो शुभ आशीर्वाद लिखेंगे, और बड़ा है तो शुभ, तो बड़ा है तो क्या लिखेंगे, सर नमस्ते या लिख सकते हो, ठीक है ना, मतलब नमस्कार भी लिख सकते हो, नमस्ते भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बड़े के लिए नमस्ते यूज करोगे, छोटे के लिए शुभ आशीर्वाद, ठीक है, ध्यान रखना, और यहाँ पर अग्रज अनुज ध्यान रखना, ठीक है ना, ये हमेशा। आगे क्या लिखोगे, शुभ आशीर्वाद के बाद में आशा करता हूँ कि तुम कुशल होगे, जैसा कि आपको भी पता है कि समय 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को भी टीका उपलब्ध हो गया है, टीका उपलब्ध हो गया है, इसीलिए तुम भी जल्द से जल्द टीका लगवा लो ताकि स्कूल खुलने पर तुरंत तुम स्कूल जा सको तथा किसी प्रकार का भी खतरा ना हो, अतः पूरी उम्मीद है कि तुम टीका लगवाओगे, ठीक है ना, जल्द टीका लगवाओगे, तुम्हारा भाई विशाल, ठीक है ना, यहाँ पर कोई सा भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे, तो फॉर्मेट समझो, ठीक है ना, बाकी डिफ़िकल्ट नहीं है, पेपर में एक ज़रूर आना है, ठीक है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, टू। तो फॉर्मेट को ध्यान में रखना, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। इसी के साथ ये आपकी वर्कशीट 99 कम्प्लीट हुई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।